9 सितंबर 2024 में बघेली कलाकार अविनाश तिवारी की नई फिल्म कुंवारापुर बड़े पर्दे पर रिलीज होने को तैयार है। इससे पहले बड़े पर्दे पर अविनाश तिवारी की बघेली फीचर फिल्म बुधिया ने विंध्य के लोगों का मनोरंजन किया है। अविनाश अपनी दूसरी फिल्म को लेकर कोतमा पहुंचे, जहां कुंवारापुर को लेकर फिर से ऑडियंस के बीच में पहुंचे हैं। अविनाश तिवारी ने कहा कि बुधिया फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म कुंवारापुर की शूटिंग 2023 में ही शुरू कर दी थी। तकरीबन 6 महीने तक चली शूटिंग के बाद फिल्म लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। बघेली कलाकार अविनाश तिवारी ने आगे कहा कि ये फिल्म सितंबर के महीने में विंध्य क्षेत्र के साथ पूरे भारत के सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। इस फिल्म में एक अच्छा संदेश भी है, इसके साथ ही फिल्म में कॉमेडी, एक्शन, रोमांस का बेहतर समन्वय है। फिल्म में बघेली बोली में बेहतरीन गाने भी हैं जो दर्शकों को खूब पसंद आएंगे। बुधिया हम लोगों ने यहाँ किया था कोतमा में, और काफ़ी प्यार मिला था कोतमा से हमें, तो हमने जो प्रमोशन यात्रा शहडोल संभाग में की, तो सबसे पहले हम कोतमा तरफ आए। और कुंवारापुर जो फिल्म है, तो अविनाश फिल्म प्रोडक्शन हाउस और अन्नपूर्णा फिल्म क्रिएशन के बैनर तले बनी है, जिसका ट्रेलर आप सबने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले ट्रेलर देखिए, और 9 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है नज़दीकी सिनेमाघर में, तो आप सब परिवार, पूरे परिवार के साथ आइए और इस प्यार को, इस फिल्म को भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो हास्य के साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है। एक दहेज को लेके मैसेज दी गई है, और मांगलिक ग्रह नक्षत्र को लोग बहुत मानते हैं, उस चीज़ को लेके एक मैसेज दिया गया है। तो ये आप मतलब एक ऐसी फिल्म है जो आप फैमिली के साथ बहुत इजीली आप देख सकते हैं। बहुत कम ऐसी फिल्म होती है जो फैमिली के साथ हम बैठ के देख सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एक कॉमेडी के साथ साथ आपको मैसेजेस भी मिलेंगे इसमें, तो अपने फैमिली के साथ आप लोग सब लोग जाइए और अपनी बघेली को नेशनल लेवल पे लेके जाइए सब लोग मिलकर। ये एक ऐसी फिल्म है जिसपे भरपूर मसाला है। इस पर आपको आइटम सॉन्ग मिलेगा, कॉमेडी सॉन्ग मिलेगा, लव सॉन्ग मिलेगा, विदाई गीत मिलेगा। ये एक फुली मसाला फिल्म है, अच्छा लगेगा। मतलब जो पुराने फिल्में जो बनती थी, जो पूरा परिवार बैठ देखता है, बहुत ऐसी फिल्में आई हैं कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के नहीं देख सकता है। अभी 2-4-5 सालों में तो और सिनेमा का माहौल ख़राब हुआ है। वेब सीरीज ऐसे ऐसे आ गए हैं कि हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, यहाँ तक कि प्रचार ऐसे ऐसे बनते हैं कि परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। कुंवारापुर एक ऐसी फिल्म है कि बचपन से लेके बचपन तक, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक उसको देख सकता है, उसको भरपूर समझ में आएगा, लोग एंजॉय करेंगे। इस फिल्म में हम लोगों ने बम्बई से कलाकार भी बुलाए थे, जैसे आसरानी जी आप देखेंगे, विक्रम कोचर जी हैं, गरिमा अग्रवाल हैं, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी मूवीज़ कर रहे हैं वो, उमेश वाजपेयी जी हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और अपने बघेली में। और बहुत बड़ी बात है ये हम लोगों के लिए कि अपने विंध्य में आकर उन लोगों ने, बॉलीवुड के एक्टर्स लोगों ने काम किया, तो जब बॉलीवुड एक्टर लोग अपने बघेली में आके काम कर सकते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट तो बनता है। सबसे बड़ी बात ये है उसमें कि हमारे विंध्य की जो लोक परंपरा है उस पर आधारित ये फिल्म है। हमारे विंध्य की जो परंपरा है, सोहर गीत, विवाह गीत, इन सबको, मतलब जो हमारे यहाँ के सामाजिक परंपराएं हैं, उन सबको मिला जुला करके एक बढ़िया सा प्रोडक्ट तैयार किया गया है कुंवारापुर के रूप में। आप लोग अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। एक चीज़ और है, इस फिल्म के गाने इतने प्यारे हैं, जैसे आइटम सॉन्ग अन्नपूर्णा जी ने गाया है, बहुत प्यारा इन्होंने गाया है, और टाइटल सॉन्ग अविनाश जी ने ही गाया है। और हम चाहेंगे कि एक लाइन आप कोतमा वालों को सुना दें। अपनी मस्त जवानी से मैं कर दूंगी दीवाना, हर कोई मुझको छूना चाहे, हर कोई चाहे पाना, लेकिन तुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जा जा रे, अरे जा रे छिछोरे यार, तेरा मेरा साथ नहीं है। बस अभी इतना ही सुनाऊंगी, नहीं तो आप लोग से बात भी नहीं सुनेंगे।